सड़क हादसे में ट्रक सवार यात्री की हुई मौत, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बांदा में रफ्तार का कहर सामने आया है। यहां पर तेज रफ्तार ट्रक ने एक डीसीएम गाड़ी को पीछे से जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें डीसीएम सवार एक यात्री की मौत हो गई। वही डीसीएम चालक घायल है और उसको मामूली चोटें आई हुई है। घटना की जानकारी के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर मर्चरी में रखवा दिया है और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। आपको बता दें, पूरा मामला तिनवारी थाना क्षेत्र के मुंगूस और सेमरी गाँव से सामने आया है, जहाँ पर एक तेज रफ्तार ट्रक एक डीसीएम गाड़ी को ओवरटेक करने के चक्कर में डीसीएम गाड़ी को पीछे से टक्कर मार दी, जिसमें डीसीएम गाड़ी में सवार एक यात्री की मौत हो गई। वही डीसीएम का ड्राइवर भी मामूली रूप से घायल हुआ है, जिसका उपचार किया जा रहा है। स्थानीय लोगों की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पूरे मामले की तफ्तीश में जुट गई है। ये थी बांदा से विष्णु सिंह की रिपोर्ट। हाँ, ये जो है थाना तिनवारी से एक ब्रांडेड सुधीर द्विवेदी उर्फ लवकुश द्विवेदी सना उमापांत लगभग 25 साल की उम्र है और कांस्टेबल रोहित यादव थाना तिनवारी द्वारा यहाँ लाया गया है। ब्रांडेड अवस्था में लाया गया है, शव को मर्चरी में रखवा दिया है। वह पोस्टमार्टम कार्रवाई की जा रही है। क्या बताया गया, कैसे मौत हुई? ये एक्सीडेंटल मामला है। बताते हैं कि ट्रक ने कुचल दिया जिससे कि मौत हो गई।